हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कलश के इस अपकमिंग एपिसोड में हम क्या खास सीखेंगे उसे जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर किया कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे रविका बैठी हुई होती है और कहते हैं, सही कहते हैं रवि जी, मैं ना एकदम दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ इंसान हूँ। मुझे ना रोशनी कहीं दिखाई नहीं देती, अंधेरे में ही जीने की आदत हो गई है, किसी पे विश्वास नहीं करती, किसी की सुनती ही नहीं हूँ, बस अपने ही मन की करती हूँ, रोशनी से अपना मुंह फेर लेती हूँ, सुनती नहीं हूँ किसी की, बस अपने हिसाब से अपनी कहानी बना लेती हूँ। के बाद ना किसी पे विश्वास किया, और रवि जी ने मुझसे कितनी बार कहा, सच्चाई बताने की कितनी बार कोशिश की, लेकिन मैं हमेशा उस पर ही शक करती रही, और रवि ने मुझे कभी पलट के जवाब भी नहीं दिया। कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे, लेकिन जो रवि ने मेरे लिए किया और कोई नहीं कर सकता मेरे लिए। आज मेरी चाची की आंखों में जो खुशी के आंसू हैं वो सिर्फ और सिर्फ रवि की वजह से हैं। कि रवि ये सब क्यों कर रहा है, क्या वो मेरा भरोसा जीतना चाहता है इसलिए, या फिर वजह चाहे जो भी हो, लेकिन उसने मेरी मदद की है। फिर वो बैठ के सोचने लगती है। यहाँ पे जो है रवि आ जाता है, देखता है ये क्या कर रही है, बैठ के सोच रहे, वो भी सेम वैसे ही हरकतें करने लगता है, एकदम से उसका ध्यान जाता है और कहती ये क्या कर रहे हो तुम। तभी रवि कहता है कि जो तुम कर रही हो, तुम इस तरीके से बैठी हुई थी, तभी मैं भी आके बैठ गया, उस तरफ तुम देख रही थी, मैं भी ध्यान से देखने लगा, आखिर तुम उस तरफ देख क्या रही हो। फिर मैंने सोचा कि शायद तुम उधर देख रही हो, देवी माँ से बात कर रही हो, फिर मैंने सोचा उधर देवी माँ तो है नहीं, जरूर तुम उस कोने से बात कर रही हो, क्योंकि तुम्हारे पास तो बहुत सारे ऑप्शन है ना। तभी मैं कंफ्यूज हो गया कि आखिर तुम कर क्या रही हो। फिर वो कहता है क्या तुम कुछ कहना चाहती हो, तो वो कहती नहीं। तो तभी रवि कहता पक्का, तो कहती हाँ हाँ पक्का, तो फिर वो जाने लगता है। तभी वो आवाज़ लगाती सुनो, तो कहता है क्या, फिर कहती नहीं कुछ नहीं, तो फिर वो चला जाता है। तो सोचती है कि हे भगवान, ये अपनी गलती मान लेना भी कितना मुश्किल काम होता है ना, अगर मैंने इससे कहा ना तो फिर मेरी अच्छे से क्लास लेगा। तभी अपनी फाइल देख रहा होता है, तभी वहाँ पे देविका जाती है और उसे देखता है, तो एकदम से वो एक बुक उठा के पढ़ने लगती है। तब वो उसे देखता है कि इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है, तो भी सोचता अच्छा मैडम जी को सॉरी बोलना है, वैसे तो गुस्सा होती है तो बड़े बड़े पटाखे फूटते मुँह से, लेकिन एक सॉरी बोलने के लिए मुँह में ताला लग गया है। रवि जाने लगता है, एकदम से उसकी नज़र जो है देविका जो बुक पढ़ रही होती है उस पर पड़ती है, तो देखता है वो बुक जो है वो उल्टी पढ़ रही है, तो एकदम से रुक जाता है, उसको ध्यान से देखने लगता है। तो देविका कहती है कि क्या देख रहे हो, तो कहता कुछ नहीं मैं ये देख रहा हूँ कि ये बुक, तो कहती हाँ ये मैं अपनी बुक पढ़ रही हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, तुम अपनी फाइल पढ़ो ना, तो कहता हाँ मैं तो पढ़ रहा हूँ लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा लग रहा है इंटरेस्टिंग, कहती हाँ बहुत ही ज़्यादा, कहीं इंटरेस्टिंग तो होगी क्योंकि अब उल्टी पढ़ रही हो, तो कहती क्या। तभी फिर वो वहाँ से जाने लगती, तभी जो रवि उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है, फिर एक दूसरे को एक लोग देखने लगते हैं। तो रवि उससे कहता है कि थैंक यू बोलना चाहती हूँ, सॉरी भी। रवि देविका से कहता है कमाल करती हो तुम भी, लेकिन इस वक्त मुझे तुम्हारे थैंक यू सॉरी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। रवि कहता है कि जिस दिन तुम्हें मुझ पर विश्वास होगा उसी दिन तुम्हारे मुँह से ये दो मीठे बोल मैं सुनना चाहूँगा। तभी फिर ये दोनों जो है वहाँ पे खड़े रहते हैं कुछ देर, और उसके बाद जो है रवि अपनी फाइल उठाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर आगे दिखाते हैं कि डोरबेल बजती है और दादी जी देखते हैं कि कौन आया है। तभी जो है कि जो पत्नी है वो आती है, कहती हैं चलो खैर सकीत जी ने मोंटी को तो संभाल लिया है। दादाजी कहते हैं कि तुम कहाँ से आ गई, तो कहते कह तो ऐसे रहो कि जैसे किसी और का इंतज़ार कर रहे थे, तो कहते नहीं तुम, मैं समझा तुम कमरे में हो और तुम यहाँ आ गई, तो मुझे अचानक से आई तो मुझे लगा, लेकिन आजकल कुछ पहचान नहीं चलता तुम्हारा कि तुम कब कहाँ से आती हो। वो कहती है कि आपकी तरह सुख भोगने का सुख नहीं है मेरे पास कि पूरा दिन घर में बैठे रहो। फिर तभी जो है पल्लवी आ जाती है, तो वो कहती है कि अब तू कहाँ से आ रही है, इस वक्त कौन सा कॉलेज होता है। तो वो कहती है पल्लवी कि मेरी एग्ज़ाम होने वाली है, तो इस समय एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं, इसी वजह से मुझे देर हो जाती है। वो कहती है कि कहीं तू भी तो साक्षी की तरह नहीं कर रही है ना, बहाने बनाकर कहीं, और फिर मुझे तुझ पे भी विश्वास करना मुश्किल, आखिर है तो तू साक्षी की बहन ही ना। तभी वहाँ पल्लवी रोने लगती है और वहाँ से चली जाती। तभी दादाजी कहते हैं कि अरे क्या कह दिया, कम से कम अपनी उम्र उसकी उम्र का लिहाज तो कर लिया करो। तो कहती हैं कि हाँ दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है,
अब देविका ने पढ़ाई करके नौकरी क्या कर ली, सबके ऊपर नौकरी का भूत सवार हो गया है। और आपसे बात करके मैं अपना मूड नहीं खराब करना चाहती हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। और बता देना आप सबको कि मैं, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, सबको बता देना आप, मैं जा रही हूँ सोने। हम आगे देखेंगे कि शेखर जी जो है वो रेखा जी से कहते हैं कि अब तो तुम्हारी सारी टेंशन दूर हो गई है ना, अब तो कोई टेंशन नहीं है ना, और हाँ अब तुम तो अच्छे से अपना ख्याल रखोगी और खुद से। तभी फिर रेखा कहती है कि टेंशन तो अभी बाकी है ना हमारी बीजी, उनको कौन बताएगा, उनको बताना उनको मनाना तो सबसे बड़ी बात है ना। रेखा जी आप चाहते हो ना कि मैं टेंशन ना लूँ, तो ठीक है तो आप बीजी को मना लो, ये जिम्मेदारी मैं आपको देती हूँ कि बीजी को कैसे मनाना है आपको, ये आप जानो बीजी जाने, बस मैं टेंशन नहीं लूँगी। फिर आगे दिखाते हैं कि ये लोग बात कर रहे होते हैं, तभी फिर वहाँ पे ना रवि आ जाता है। रवि कहता है क्या हुआ, रवि शेखर जी कहते हैं देखो रवि आया, तो रवि कहता है कि चाची जी आप घर पे आई थी इतनी अच्छी खबर लेके, और मेरी बेवकूफ़ी तो देखो, मैम ने आपका मुंह भी नहीं मीठा कराया, तो जल्दी जल्दी मैं ये मिठाई का डिब्बा लेके आया हूँ, पर चाची जी मुझे ये तो नहीं पता है कि ये मिठाई आपकी मुस्कुराहट की तरह मीठी है या नहीं, लेकिन फिर भी आप इससे अपना मुँह मीठा ज़रूर कर लीजिएगा। फिर रवि जो है मिठाई का डिब्बा दे देता है रेखा को, फिर वो कहता है क्या हुआ चाची आप परेशान क्यों हो, तो कहते हैं कि परेशानी की बात है बीजी, उनको कौन बताएगा और उन्हें कौन मनाएगा, तो वो कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं जाके कह देता हूँ, तो वो कहती नहीं नहीं अभी अभी तो तुम नहीं बात करोगे, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी दोबारा से इस तरह से बेइज्जती हो, तो वो कहते हैं ठीक है, वो कहता है कि मैं नहीं बात करूँगा, लेकिन आप अपनी ऐसे ही मुस्कुराहट बना के रखो, इतनी टाइम बाद तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आई है, इसलिए वो आप बना के रखो। वो नमस्ते करता है वहाँ से चला जाता है। फिर आगे दिखाएंगे कि यहाँ पे ये लोग घर पे आते हैं, दादाजी इंतज़ार कर रहे थे इन लोग का, तो ये कहते हैं कि जल्दी से अंदर आ जाओ, वो सोने गई है, तो ये लोग अंदर आते थे, दादाजी कहते हैं कि बताओ जल्दी क्या बात हुई है वहाँ पे, जल्दी जल्दी मुझे बताओ। अभी रेखा जो है मिठाई का डिब्बा उठाकर और दादाजी की तरफ बढ़ा के कहते हैं कि दादाजी पहले तो आप ये मुँह मीठा कीजिए, आपके आशीर्वाद से जो है सब कुछ चंगी तरीके से हो गया, वहाँ मैंने सबसे बात की, और मोंटे से तो मैंने सीधे सीधे बात कर ली और पूछ लिया, तो उसने कहा ठीक है मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं है, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। रेखा कहती है कि सच में हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं जो हमें रवि जैसा दामाद मिला, और तभी शेखर जी कहते हैं हाँ दामाद से बढ़ के वो हमारा बेटे जैसा है बिल्कुल। तभी फिर क्या होता है वहाँ पे ना, तभी वहाँ पे बीजी आ जाती हैं, कहती हैं अच्छा ये पीठ पीछे ये साजिश रची है तुम लोगों ने। तभी फिर ये लोग जो है रेखा और शेखर जी एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। तभी दादाजी कहते हैं कि और कोई रास्ता नहीं था इसके अलावा हम लोगों के पास, हमें तो वो कहती हैं कि आप तो चुप ही बैठी है बिल्कुल। तभी बीजी कहती है कि रेखा पुत्र दिल बड़ा कमजोर है तेरा, मगर जिगरा बड़ा मजबूत है तेरा, इतनी हिम्मत आती कहाँ से है तुझमें। तभी रेखा कहती है कि वो बीजी हम बताने ही वाले थे आपको, तो कहती अच्छा क्या बताने वाली थी, बोलो क्या बताने वाली थी, रात मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था ना उस रवि से कि उस रवि के घर में कोई रिश्ता नहीं होगा, और फिर तुझे इन गरे वालों के घर में जाने की रिश्ता करने की क्या ज़रूरत थी, देविका को तो तूने उस नर्क में झोंक ही दिया है, फिर अब तू साक्षी को, देविका को तो तूने जन्म नहीं दिया, वो तेरी सगी बेटी नहीं है, लेकिन साक्षी को तो तूने जन्म दिया है, वो तेरी सगी बेटी है, फिर क्यों तूने ये फैसला लिया, तो फैसला लेने वाली होती कौन हो। अभी वो दादा जी कहते हैं कि बस सावित्री अब एक लफ्ज भी और अगर रेखा के बारे में कहा, तो वो कहती है सावित्री कि कहूँगी हजार बार कहूँगी, तो कहती नहीं तुम कुछ भी नहीं कहोगी। क्या कह रही थी कि तुम रेखा एक अच्छी माँ नहीं है, सच तो ये है कि तुम बुरी माँ हो, क्योंकि अगर तुम अच्छी माँ होती तो तुम्हारा बेटा जो है अपनी बीबी के साथ नहीं तुम्हारे साथ खड़ा होता। वो कहते हैं कि देविका के बारे में तुम क्या कह रही थी, देविका के साथ जो हुआ है ना वो तुम्हारी जिद और तुम्हारी तानेशाही की वजह से हुआ है, अब तुम्हारे ही बुरे कर्मों का नतीजा है, और फिर रवि ने सब कुछ सही करना चाहा तो तुम रवि में अड़ंगा डाल रही हो, और तुम क्या चाहती हो कि हमारी साक्षी पूरी जिंदगी एक बेजान जिंदगी जीती रहे। तभी शेखर जो है रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन दादाजी कहते हैं कि नहीं इस औरत ने पूरी जिंदगी अपने हुक्म पर चलाया, फैसला इसका चाहे गलत हो चाहे सही हो, पर इसने अपना फैसला ही मनवाया, आज तक इसकी चली लेकिन अब इसकी नहीं चलेगी, मैंने सोचा था
कि ये कर रही है, एक दिन इसको अकल आएगी और ये सब करना छोड़ देगी, लेकिन ये हुकूमत चलाते चलाते अपने पति पे ही हुकूमत चलाने लगी। मैं सारी बातें बर्दाश्त करता रहा, ये जो कहती रही बर्दाश्त करता रहा, लेकिन इसके माने ये नहीं है कि ये जो कहेगी मैं वो करता रहूँगा, अब इसकी नहीं चलेगी। दादाजी कहते हैं कि साक्षी के मामले में तुम दखल नहीं दोगी और साक्षी की शादी मोंटी से होकर रहेगी। ये सब साक्षी सुन रही होती है, वो एकदम शॉक्ड हो जाती है कि उसकी शादी की बात हो रही है यहाँ पे और उससे किसी ने पूछा तक नहीं। अभी बीजी कहती हैं कि ठीक है जो मर्जी हो करो, लेकिन एक बात याद रखना। तभी दादाजी कहते हैं कि हाँ मुझे मालूम है तुम क्या कहने चाह रही हो, यही कि तुम साक्षी की शादी में हिस्सा नहीं लोगी। ठीक है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तभी दादाजी कहते हैं कि आज तक तुम्हारे गलत फैसले में हमने तुम्हारा हमेशा साथ दिया है, लेकिन ये सही फैसला हमने लिया है और इसमें तुम हिस्सा लोगी या नहीं लोगी ये तुम्हें सोचना है। तभी बीजी वहाँ से चली जाती हैं। फिर दादाजी देखते हैं कि साक्षी खड़े, तो कहते अरे साक्षी बेटे तू कब आई, तेरे लिए तो तेरी माँ बहुत अच्छी खबर लेके आई है, तेरी शादी जो है मोंटी से तय हो गई है। तभी साक्षी सुन के एकदम शॉक्ड हो जाती है। साक्षी कहती लेकिन दादू इतना बड़ा फैसला करने से पहले किसी ने मुझसे पूछा कि मैं मोंटी से शादी करना चाहती भी हूँ कि नहीं। तभी जो है साक्षी की माँ रेखा कहती क्या कहा तूने, इतना बड़ा फैसला तूने किया, एक बार भी तूने हमसे पूछना जरूरी समझा जो उस पार्टी में मोंटी के साथ चली गई तू। तभी साक्षी कहती है कि नहीं माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो घर पे बैठी बोर हो रही थी इसलिए मोंटी के फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में चली गई, आपको इसलिए नहीं बताया कि आप मुझे कभी जाने नहीं देती, पर मुझे क्या पता था कि उस बर्थडे पार्टी में मुझे इस तरीके से फंसा दिया जाएगा। लेकिन माँ आप लोग तो सब कुछ देख के जानबूझ के गलत कदम उठा रहे हैं, ये मेरी लाइफ है, मैं फैसला करूँगी कि मुझे किससे शादी किससे नहीं करनी है। तभी जो है साक्षी के पापा आते हैं और उसके एक थप्पड़ मार देते हैं खींच के, और ये देख के सभी शॉक्ड हो जाते हैं और वो शेखर कहते हैं साक्षी से कि अब ये तेरी लाइफ हो गई है, अब फैसला तू करे। जब तू छोटी थी अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए मेरे पास आती थी, तब तेरी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए मैं अपनी जेब काट काट के तेरी ख्वाहिशें पूरी करता था, तब तेरी ये जिंदगी तेरी कहाँ थी। शेखर कहते हैं हक और फ़र्ज एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपना फ़र्ज निभाया है और तूने क्या किया साक्षी। तुझे पता है लोग क्या कहते हैं बाहर, फ़ोन आते हैं उल्टी सीधी बातें करते हैं, मुझे सुननी पड़ती है और तू करी, और हमने ये जो फैसला लिया है वो तुम्हारी खुशी के लिए लिया है साक्षी, और तुम हक की बातें करती हो। तभी साक्षी कहती है कि लोग कहते हैं फ़ोन आते हैं, लोगों ने कहा और आपने मान लिया, लोग कहेंगे मैं गलत हूँ तो क्या आप लोग मान लेंगे। तभी साक्षी की माँ कहती है कि हम तुम्हें गलत नहीं कह रहे हैं साक्षी, लेकिन समझने की कोशिश करो, हमने जो फैसला किया है वो तुम्हारी भलाई के लिए किया है, तुम्हारी खुशी के लिए किया है। तभी साक्षी कहती है कि माँ मेरे भी कुछ सपने हैं, आपके ऐसा करने से मेरे सपने टूट जाएंगे माँ, बच्चे माँ बाप से छोटा मोटा झूठ बोलते हैं, मैंने भी आपसे झूठ बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमें इतनी बड़ी सजा दोगे इसकी। तभी साक्षी की माँ कहती नहीं सजा तुम्हें नहीं, सजा तो मुझे मिलने चाहिए, क्योंकि आज तुमने मुझे अच्छे से आईना दिखा दिया कि एक माँ को उसकी परवरिश को उसके संस्कार को सब कुछ तुमने दांव पे लगा दिया, तो सजा तो मुझे मिलनी चाहिए। तो फ्रेंड्स फिलहाल आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।